सादार गाए ईश तो जीवन के हर खुशी केवल परमेश्वर महान दया privilege to stand here mo mor parameshwar ko madhya dhanyabad di au mor chalak man ko madhya dhanyabad gyapan kare je se mane mothe mor sakhya pradan kariya pa ethare sthia kari chhe I was born and brought up in a staunch marthamite family au mu ek samasta drudha ebang sabuthare nastik paribar re janma grahan kartili but god gave me the privilege to be born as a pentecost kintu pentecost re janma neba pai prabhu mote ei prakara saubhagya dele before my birth my mother got saved ebong mor janma purbaru mor mata mathyo paritran paitile but still all my family members are as marthamites kintu mor samasta paribar sab marthamites thile I have four brothers and two sisters amor uchanti chari bhai ebong ame dui bhoni we are totally of six children to our parents ame amo pita matankar 6 jana putra kanya ato while I was 11 years old jete bele mu 11 barsha vayasko thile all of a sudden my father departed from this world ebong akasmat mor pita hi jagat ku paritag kale since I was the last and least of my family एवं जेतु मु मोर परिवार सबुठर उच्च अटे आई वाज रियली लव्ड बाय ऑल माय फैमिली मेंबर्स मोर पारिवारिक सदस्य मानक द्वारा प्रकृति रे मु समस्तंकर प्रेम पाथिली माय फादर वाज अ ग्रेट डिलाइट और जॉय इन माय लाइफ विशेष भाबे मोर पिता मोर जीवन रे सबुठर अतिरिक्त आनंद थिले बट व्हाइल आई वाज इन अ वेरी स्मॉल एज इटसेल्फ माय फादर डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड आ जते बेले मु अति छोट थिले सेते बेले मोर पिता ई जगत को प्रत्याग कले इवन दो आई वाज वेरी स्मॉल यद्यपि मु अति छोट थी आई कुड फील ए ग्रेट वैक्यूम इन माय लाइफ किंतु मोर जीवन में एक बहुत बड़ी दुख अनुभव कले आई थॉट नाउ देयर इज नथिंग फॉर मी इन दिस वर्ल्ड से समय मु भाबली जे जगत रे मो पई आउ किछि नाही बिकॉज़ टू दैट एक्सटेंट आई वाज लव्ड बाय माय फादर कारण से सीमा पर्यंत मु मोर पितांक द्वारा केवल स्नेह पाउथिले एज़ आई स्टार्टेड टू ग्रो आ जिते बेले मु वृद्धि पाइबा को लागले आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन माय गॉड मु मोर परमेश्वर को प्रश्न करबा को लागले लॉर्ड आई नो दैट यू आर ए लविंग God हे प्रभु मु जाने जे तुमे जने प्रेमी परमेश्वर I know that you will never do any harm to your people हे प्रभु तुमे जाने मु जाने जे तुमे अपना संतान मानक प्रति कोनोसी हानि करबो नाही How is that you were so cruel to me in my small age itself you took my father away किंतु मु एते छोटो खिद्र शिशु थिबा समय रे तुमे काहे कि मोर पिता को मोठारे विच्छिन्न कलो I did not understand the great plan and purpose which God had concerning me मोर जीवन उद्देश्य पई प्रभु को कोन उद्देश्य थिला कोन योजना थिला ता मु बुझि पाइन later as I attended my teenage अब जेते बेले मु मोर अवस्था को कैसर अवस्था को आसीली as it is written in the word of god जे प्रकार प्रभु को वाक्य रे लिखा जाय तेरा डाइड एंड द लॉर्ड अपीयर्ड अनटू अब्राहम अब से प्रकार अब तेरा मृत्यु पर अब्राहम को प्रभु साक्षात कले सो वाज माय लाइफ आल्सो से प्रकार मोर जीवन रे मध्य देन आई अंडरस्टूड द ग्रेट पर्पस व्हाई गॉड टुक माय फादर सो अर्ली सही समय रे मु बुझिबा को परिले जे प्रभु को महान उद्देश्य कोन थिला मोर पिता को प्रभु काहे कि नहीं गले my mother got saved but till my father's death he was a marthamite au kintu mor jaddi pe mor mata paritran prat hoitile kintu mor pita je porjanto bojithile se mane marthamites thile if my father would have been alive in this world I would not have embraced this truth
आदि मोर पिता ही जगत में बचे थाते मु सत्य को जाणी पारि नथाते बिकॉज माय फादर वाज वेरी लविंग टू मी एंड आई आल्सो लव माय फादर बाय द विच आई डोंट वांट टू हर्ट माय फादर इन एनी वे जेहेतु मोर पिता मो प्रति अति प्रेमी थिले मु मध्ये मोर पिता को अतिरिक्त प्रेम करथिले सेतबाय मोर पिता को कोनोसी विषय रे मो आघात देबा को चाहु नथिले देन आई स्टार्टेड टू थैंक एंड प्रेज गॉड इन ऑर्डर टू फुलफिल गॉड्स पर्पस इन माय लाइफ तापर परमेश्वर कर उद्देश्य मु जेंति मो जीवन सफल प्रभु करबा को जाउ चंद बोले मो प्रभु को धन्यवाद ज्ञापन करले इट डिड इन माय लाइफ इट वाज फॉर माय गुड एवं प्रभु मो जीवन जहां कर चंद ता केवल मंगल पाए सो आई हैड अ ग्रेट पर्पस इन माय लाइफ मो जीवन रे मध्य मो पंगटे बड़ो महान उद्देश्य थिला एज देयर इज अ सेइंग आ जे प्रकार कहउ चंते मैन प्रपोसेस एंड गॉड डिस्पोसेस एवं मो परमेश्वर कर उत्थाबा पई मोर उद्देश्य अटे माय ब्रदर्स आल्सो सपोर्टेड मी एंड आई आल्सो हैड अ ग्रेट डिजायर दैट आई शुड बिकम एन एयर होस्टेस सेति पई मोर भाई माने मध्ये मते सहाय्य करले मोर सफक हेले एवं मु जेमते आग्रह करतली से प्रकार तंके स्नाइले सो अकॉर्डिंग टू दैट आई वाज प्लानिंग एंड डिजाइनिंग माय एजुकेशन आल्सो सही अनुसार मध्ये मु योजना करली एवं मोर शिक्षागत विषय को मध्ये समाप्त करली माय मदर वाज वेरी अगेंस्ट it आउ किंतु मोर माई हरा विरोध रे थिले बट माय ब्रदर्स ऑल सपोर्टेड मी किंतु मोर भाई माने मोर सपक्ष रे थिले सो आई थॉट इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी सेति पई ता मो पई एक बहुत बड़ा सफलता थिला बट रियली गॉड्स प्लान वाज नॉट दैट किंतु प्रभुंकर योजना ता नथिला गॉड्स प्लान वाज दैट आई शुड बी अ होस्टेस इन द हाउस ऑफ गॉड मो किंतु ए प्रकार योजना करथिल जे परमेश्वर गृह रे मो गुटे प्रभु होस्टेस सबा पई आई ट्राइड ऑल माय लेवल बेस्ट मो मोर पारो पर्यंत चेष्टा कली आई वाज अबाउट टू अटेंड द इंटरव्यू फॉर इट एथि पई मध्ये मो अनेक इंटरव्यू देली द डेट एंड द प्लेस वाज गिवन टू मी एवं तारीख एवं स्थान मते दिया गला बट एज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड किंतु परमेश्वर को वाक्य दे प्रभु उत्तर देले द इफेक्चुअल प्रेयर ऑफ द राइटर्स अवेलेथ मच धार्मिक व्यक्ति रो प्रार्थना अनेक कार्य साधन करी परे आई कैन बोल्डली से दैट माय मदर्स प्रेयर्स स्टॉप्ड दिस प्लान इन माय लाइफ मो साहसर सहित कहि परे जे मोर मांकर जो प्रार्थना एही योजना को विफल कला आफ्टर दैट आई वाज टोटली डिस्टर्बड इन माय लाइफ तापर मो जीवन रे मो विश्रंखलित हेले आई सेड लॉर्ड ऑल माय प्लान्स आर डिस्टर्बड से समय में कहले प्रभु मोर समस्त प्रकार योजना रे विश्रंखले हटिला एंड माय ब्रदर्स आल्सो वेर अगेंस्ट मी बिकॉज़ आई लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी आ एही सुजोग को मो हराई थे भाई तो मोर भाई माने मध्ये मोर विरोध हेले बट स्टेप बाय स्टेप गॉड स्टार्टेड टू डील विद माय लाइफ सपना परे सपना परमेश्वर मोर जीवन सहित व्यवहार करबा को लागले गॉड लेट मी थ्रू डिफरेंट the path of difficulties in my life mor jivan de anek kleshar marg bhitar dei prabhu mote gati karaile god started to deal with my life ebong mor jivan de madhye se prabhu mo saita byabohar kale started to take me through a difficult path by the which I know that I will not be able to go through that path ebong prabhu mote ei prakare ek kashtakar marg re nele je prakar mo jani paribe je prabhu ei kashtar marg re nebar uddeshya kon since my in my small age my father died my elder brother to control over me ak jehetu mor ati choto boyosor mor pita mrityu baron kale mor bada bhai ei sabur bisay re mor niyantran korthile at the age of 21 एवं 21 वर्ष वयस रे दे ऑल स्टार्टेड टू प्लान फॉर माय फ्यूचर मोर भविष्यत पई जतल समस्त ए प्रकार योजना करले ऑन द अदर साइड गॉड्स बैटल वाज टू मच विथ मी अन्य पक्ष रे परमेश्वर कर युद्ध मध्ये मो प्रति अतिरिक्त थिला आई सेड लॉर्ड आई कैन नॉट डू योर मिनिस्ट्री बिकॉज़ आई नो दैट माय होल फैमिली विल बी इन ग्रेट प्रॉब्लम आ सेति पई मो कहले प्रभु मु ए सेवा कार्य करि परबिनी कारण मोर समग्र परिवार ए समस्या रे पड़िबे बट गॉड्स वेज वर टोटली डिफरेंट फॉर मी इन माय लाइफ किंतु मोर जीवन रे परमेश्वर कर माग्य पूरा भिन्न थिला सो विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन इवन टू माय मदर आई जस्ट वेंट टू इरंबलियु के सेति पई मो समस्तंकर अज्ञानत रे मोर मां को मध्ये जणाइबे बिना सेमानकर अज्ञानत सरेरे मो इरंबलियर को गले आई डिडंट इन्फॉर्म माय ब्रदर इन चार्ज ओवर देयर एवं सेठाकर ब्रदर इन चार्ज को मध्ये मो किछि कहिबे नै साइलेंटली बिकॉज़ ऑफ God's great battle within me there was no other way for me silently I surrendered myself to God's plan mor bhitare parameshwar kar juddha atirikta bhabare kandal karuthiba hetu nirabatar sahit mu parameshwar kar yojana kariba ko chahile one more year I would stay in my house something else would have happened to me jadi au gotiye barsha mu paribare mu roithanti tahale kichhi na kichhi mo prati ghatithanta so I went to Irumbalu for the convention mu Irumbalu ko sammelani jogodeba pai gali so God started
wanted to deal with me in a specific way. आ परमेश्वर को विशेष मार्ग देकर प्रभु मो सहित व्यवहार करले. Through visions, God started to deal with me. प्रभु मध्य मो सहित व्यवहार करले. I surrendered myself quietly and silently into my God's hand. नीरवता सहित मो अपना को प्रभु को हस्तरे समर्पण करले. Finally, after being ordained as a servant of God, सेसरे परमेश्वर को सेवक भाबे निर्वाचित हेबा परे. My mother came running to me. My mother came running to me. मोर मां मो पाको के दौड़ी आसिले. Said, what a great blunder you have did. आ तू एत्ते बड़ा मस्त बड़ा भूल केन करू. You are going to face your brother now. आ वर्तमान तोर भाई मान को केन तू सामना करबो. I said, let come what may, I am ready to lay down my life for my God. सेति पई जम कहिले जा के चोना कह के मोर परमेश्वर के निमित्त मोर जीवन को दे दे छी. After reaching home, एवं मो घर को फेरला परे, all my brothers came to know about it. एवं मोर समस्त भाई मान निकट को आसिले. My elder brother immediately from Kerala, he landed home. एवं केरला रु मोर बड़ा भाई मध्य संगे संगे आसीगले. At that time I understood the great love which he had for me in his heart. सेई समय रे मु तांकर महान प्रेम को तांकर हृदय रे मोर प्रति जा थिला बुझी परिले. He locked me in a room and he started to thrash me like anything. एवं सेई समय रे मते केंती भाबर बे सेमान सित्र खडीबा को चेष्टा करथिले. Never he had spoken a word hard to me. Such a man started to thrash me left and right, being shut in a room. एवं जो व्यक्ति मते केबे मध्य गोटे पद कथा कहि नथिले किबा केबे मध्य मोर मन दुख दे दिथिले से मते एपट सेपट करी मते हृदय बाप लागले. He asked me one question, if daddy was there, would you have taken this foolish decision in your life. Sesare semote gote prashna pachale ei bhuli gote mudho nispatti tu kemti nei parlu. Because he was too much elder to me, I didn't open my mouth. As jehetu se motharu atti bado sethi pai mu mor mukha kholili nahi. My mouth, he started to persecute me like anything. Amar mukha mu kholili nahi, mukha kholiba paryanta semote tadana debaku lagile. He asked me, if you have any other affair, you tell me, I am ready to get you married. Ebang se kahile jodi tora au kichi khasanta samparko chhi tumate kah mu tate sanga sanga bibah koribi. Even for that, I didn't open my mouth. Tathapi madhyam mor muh khulili nahi. Finally he was tired. Sesare se ati klanto hi pal. By the way, I got the beatings. Even I was unconscious and I fell there. Ebam tapare tanko thar madhyam prahar prahar paile pai padigali. I could hear my mother screaming out of my room. Ebam mor kothori bitare mor maang kara se chapakra atirikta daruna chitkar ma suniba ko parile. My elder brother became more violent. Ebam mor bada bhai atirikta sangharshali ho padile. Started to thrash my mother also. Ebam se mor maang ko dhitilba ko lagile. Finally the whole house was disturbed. Sesare mor pura parivar bisrankhalit hoi padila. But still the love of Calvary was overwhelming in my heart. Kintu tathapi parmeshwar kar Calvary ro prema mo hriday bitare uthil filled in the spirit. Ebang sei samare mo atmare purna hebak lagi. Lord, nothing can separate me from your love. Sei samare mo prabhu ko kahile, he prabhu tuma tharu konasi bisay mote bichhinna kari paribo na. Even if my brother kill me, Lord, I am ready to die right now in this house. Sei samare mo kahile jadi mor bhai mote bartaman madhya hatya kare de tathapi ei grah re mo mariba pai prastut. But I thank you, Lord, for fulfilling your purpose in my life. Kintu mo tumara sei uddeshya ko mo jivan re mo seva puran karibaku chahe. After that, without speaking a word, he left home. तापरे मु गुटे शब्द कहिबा बिना मु घर छाडीले. So after 2-3 months I came to Adyar. आउ 2-3 मास पोरे मु अडियर को आसिले. Then after 2 months I got a message that again my elder brother is coming with a group of people from Kerala to take me back home. एवं 2 मास पोरे मु मध्ये ए प्रकार गुटे पत्र मते मिलिला बे सेथे लेखाई थिला केरला रु मोर बड भाई आसुचंति एवं दळी लोक सहित आसुचंति मते घर को फेरै नबा पई. So over there strengthen me like anything, they told, you be bold like lion, nothing will harm you. किंतु परमेश्वर मते अति साहसजनक वाक्य दे कहिले, तू सिंह परी साहस करियो तो प्रति किछ क्षति हेबो नाही. Like that God did a great work in my life. परमेश्वर के से महान भक्यतु. He could not enter into the gate. से मध्य फाटक भीतर को प्रवेश करि पाले नाही. Something started to trouble him. एवं ताको किछ किछ विचलित कला. He went back again. एवं सेठर से फेरि गले. Near about 6-7 years I didn't have any contact with him. एवं 7 वर्ष पर्यंत मोहि प्रकृति गिर रहिले. If I tried to call him, he used to cut my call. आ जेते बेले मध्य मु को बाग देखियो के चेष्टा पर से संगे संगे ता काटि दउथिले. So according to the plan of God, from Adyar I was transferred to Mumbai center. एवं अडियर जो परमेश्वर को योजना अनुसार मु मुंबई केंद्र स्थानांतरित हेले. One day while I was serving in local in Mumbai,
एवं से मुंबई रो से जेते बेले मो लोकल प्रथम सेवा करथली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय मदर टेलिंग दैट योर ब्रदर हैज अगेन कम इन सर्च ऑफ यू आ वर्तमान से समय मोर मां को ठारो आ एक पत्र पाइली जे से लिखिथिले तोर भाई पुनर्वर्त ते नै जेबा पई आसु छेंते ही वाज नॉट आस्किंग फॉर फेथम ही वाज आस्किंग फॉर द ऑर्फनेज एवं से फेथम को से सुनहते से आ उतंकर गुटे अनाथ आश्रम रे से रही छेंते फाइनली आई कन्वे दिस मैसेज टू माय मदर एंड सिस्टर सॉरी ब्रदर इन चार्ज ओवर देयर से समय एही संबंध को मोर मदर एवं सेठा सिस्टर इन चार्ज थले तांको जणैले दे एनकरेज्ड मी से माने मते उत्साहित करले दे सेड वी विल गो एंड रिसीव हिम एवं सेन कले तुमे केवल जो हमें से दे ब्रदर इन चार्ज फ्रॉम देयर वेंट एंड रिसीव माय माय ब्रदर एंड द ग्रुप ऑफ पार्टी सेठा करे ब्रदर इन चार्ज जाईकिरे मोर भाई एवं थे दल लोक मानको जाईकिरे से तांको ग्रहण करले they brought him to the fethum se mane tahan ko fethum ko nei asile for 3 days he was watching our life aur 3 din se amara jivan ko se anusandhan kale he was walking up and down ebang se kebal upar tala he ke chalutile he was restless ebang se pura bisram abirate he was just staring at me but he didn't speak a word to me se mote kichi aib mo bisare kichi kahi paru nathile but glory be to god parameshwar ko namaro guru by the way the saints dealt with my brother se tu mor sadhu mane mor bhai man भाई का सेते ए प्रकार व्यवहार करे लव ऑफ गॉड व्हिच ही सॉ इन द लाइफ ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड देयर आई परमेश्वर के शक्ति से प्रभु को सेवक मान के तेरे जा के जैसे एंड द डिसिप्लिनड लाइफ इन द फेथम एवं विश्वास गृह रे केते श्रृंखलित जीवन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फेथम एवं विश्वास गृह रे केते अनुग्रह पूर्णा glory be to god totally changed the heart of my brother परमेश्वर को नाम रे गौरव ए सब देखि के मोर भाई कर हृदय परिवर्तित हला थर्ड डे मॉर्निंग एवं तापर तर पर्व परवर्ती सकल एंड के मैन ही हग मी ए झणे व्यक्ति आसिकरे मते आघात कले एंड ही सेड यू हैव चोसन द बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ एवं से आसिकरे कहले तुमे तुम जीवन रे सबठरो सर्वोत्तम मार्ग को तुमे मनोनीत करिछ प्रेज बी टू गॉड परमेश्वर को नाम रे प्रशंसा आई ए स्ट्रेंजर वुड गेट सच लव एंड केयर हाउ मच मोर यू विल गेट लव एंड केयर ऐसे प्रकार मु कहले आमे जते ते तुमको प्रेम करथुले किबा जत्न करथुले ताठरो अधिक तुमे एठर प्रेम और जत्न पाउछ एज अ टोटली चेंज्ड पर्सन ही लेफ्ट दैट प्लेस आ सेठरो से गुटे संपूर्ण परिवर्तित मनुष्य से स्थान छाडीले माय हार्ट वाज फिल विथ ग्रेटिट्यूड एवं मोर हृदय कृतज्ञता रे परिपूर्ण हला हाउ फेथफुल माय गॉड इज आ मोर परमेश्वर कित्ती निरापद परमेश्वर आफ्टर दैट ही हैड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट मिनिस्ट्री आई एम डूइंग तापरे मो केउ सेवा करू छे से विषय से स्पष्ट भाबे बुझिबा को पारले ही सेड अबाउट 6 ऑफ अस यू आर द privileged child in this family एवं से कहले हमर 6 जण संतान भाई मौनी भितरो ते सबठरो सौभाग्य व्यक्ति संतान I praise and thank God for this wonderful transformation which God brought in his life एवं परमेश्वर तंक जीवन जे प्रकार कार्य कले सेति पै मु प्रभु को नाम को धन्यवाद दिए as the word of God says जे प्रकार प्रभु को वाक्य कहे keeper of Israel sleep nor slumber एवं से जे कि इस्राएल रे रक्षक से कदापि घुमंती नहीं कि निद्रा जानती नहीं दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड इन माय हाउस एही प्रतिज्ञा मोर गृह रे मध्य सफल हला व्हाइल आई वाज सर्विंग इन वन ऑफ द लोकल्स जेते बेले मु मानापुर स्थानीय विश्वास गृह रे सेवा करथली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन मार्च 9th 1997 मार्च 9 तारिख रे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम होम मो घर गोटे ए प्रकार डाकरा पाइले प्लीज बुक द टिकट एंड कम सून एवं तमे दया करी टिकट बुक करी शीघ्र आसो बट आई आस्क्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम एवं मो पचली कोन समस्या गिव द फोन टू मदर लेट मी स्पीक एवं से कहले तू फोन दे दे से मां को तुम कहिबी यू हैव टू कम इमीडिएटली आ तमे निश्चय तत्क्षण ते तुमको आसीबा को पड़ीबो ऑलरेडी माय टिकट वाज बुक फॉर द कन्वेंशन बाय 11th एवं मते से इच्छा करे से सम्मेलन को जीबा पे मोर टिकट आगुर बुक हो सारथिला बाय 12th आई रीच्ड होम एवं 12 बेले मु जाय के घरे पहुचिले व्हेन आई रीच्ड होम जेते बेले घरे जाय पहुचिले आई सॉ द होम वाज सील्ड बाय द पुलिस एवं मु देखिले मोर घर पूरा पूरे द हाउस वाज फिल्ड विद पुलिस एवं पुलिस मानक द्वारा मोर घर को से मान स्क्रैम करी छे आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड मु से मान को पचारीले कोन हैला वेयर इज माय मदर आ मोर मां काई देन दे सेड मदर इज इन द फेथ माय मॉम इज इन द फेथम आ से माने कहले मोर मां से विश्वास गृह रे अछंती देन दे नरेटेड मी द होल स्टोरी से माने तापर समग्र कहानी मते कहले ऑन 8th नाइट
एवं 8 तारिख राती रे बाय 12 o'clock इन द मिडनाइट मध्य रात्रि रे 12 टा समय रे डेकॉयड्स अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स क्रीप्ड इनटू द हाउस एवं पूरा दळे डकैत आसी कि मोर गृह को से माने आक्रमण करथिले दे वर अबाउट 36 ग्रुप ऑफ पीपल आ से माने 36 जण से दळ रे लोक माने अबाउट 20 21 पीपल वर इनसाइड द हाउस आ 20 21 जण लोक मोर घर भितरे थिले रेस्ट वर इन द गार्डन बाकी से माने बगीचा रे थिले 12 o'clock से रात्रि 12 टा समय माय मदर वाज प्रेइंग मोर मां प्रार्थना करथिले माय सिस्टर इन लॉ एंड अ न्यू बॉर्न चाइल्ड वाज देयर इन द हाउस मोर भौजे एवं से नूतन शिशु मध्य से घरे थिले थैंक गॉड माय ब्रदर हैड नाइट ड्यूटी एट दैट टाइम आई से प्रभु को धन्यवाद देव से समय रे मोर मां भाईंकर रात्रि ड्यूटी थिला द मोमेंट दिस डेकॉयड्स एंटर्ड द हाउस आ जते बेले से मुहूर्त रे डकैत माने हम घरे प्रवेश करे दे सर्च फॉर द मेल पर्सन आ से माने मुख्य व्यक्ति को अनुसंधान करथले इफ माय ब्रदर वुड हैव बीन देयर आ मोर भाई सेठरे अछंत कि नाही फर्स्ट दे वुड हैव किडनैप्ड हिम जदि मोर भाई सेठरे थांते प्रथमे से मन तक नै थांते ही हैड गॉन फॉर द नाइट ड्यूटी किंतु प्रभु को नाम को धन्यवाद देव से नाइट ड्यूटी पे जाइथिले माय सिस्टर इन लॉ एंड द न्यू बॉर्न बेब वाज एट होम मोर भौजे एवं से जन्म होइते बा नूतन शिशु सेठरे थिला दे ऑल हैड देयर डिनर आ से माने तांकर रात्रि भोजन समाप्त करथिले 11 टू 12 माय मदर विल प्रे 11 टर 12 टा मोर मां प्रार्थना करंती By 12 o'clock, she went to the bed. एवं 12 टा समय रे से तंकर सज्जा कोले 12 15 12 20 12 टा 15 किमा 12 टा 20 रे she could hear some group of people speaking inside the house एवं घर भितरे किछि दळ रे लोक माने किछि कथा वार्ता होचन बोली से सुनिले as soon as she put the light आ जते बेले से तंकर लाइट लगेले she saw a group of people fully dark and their body was fully oil full of oil their body was se dekhile dhale lok pura pura bahut kala ebon ko tanka sharira pura tail re mot pura mardan karike rakhithile only their eyes could be seen kebal semanakar akhi khali dekha jaithila from head to foot the body was full of oil au tankar pad pura mastak ru pada porjante tailakt thila as soon as my mother saw this आ जेते बेले मोर मां है देखले शी स्टार्टेड टू टेल ब्लड ऑफ जीसस से संगे संगे जीसु को रक्त कहिबा को लागिले आ शी टोल्ड द ब्लड ऑफ जीसस जेते बेले से जीसु को रक्त कहिले विदाउट अ नॉलेज शी टुक ऑल द कीज ऑफ द कबर्ड एंड गिव इनटू द डेकॉयड्स एवं से खपड समस्त जेंस ने के डकैत मानु को दे देले बाय हियरिंग ऑल दिस माय सिस्टर इन लॉ ओपनड द डोर किंतु ही समस्त विषय सुनि के मोर भौज द मोमेंट शी सॉ द सीन आ जेते बेले एही दृश्य के से मान देखिले शी फेल अनकॉन्शियस से संगे संगे अचेत हे कि पड़ी All newborn babe was lying down there. से छोटा शिशु मध्य से ठहर गया। I don't know from where God gave courage to my mother. किंतु प्रभु माँ को साहस दिले। Actually, the tenants were there on the top floor. एवं आमन कर ऊपर छत्र मध्य से मन थिले। These decoys entered into the tenants' house. The couples were there. They looted all the things and kept a bundle of cloth in the mouth. so that they will not shout au amana kare se upar ghare jo thile amana ka ghar ro bada tie mane tanko ghare prathame dokait mane pravesh kare au kichhi kona sab nei kare tankar mukhare dei kitile se mane kichhi kari parle nai they cut the telephone wires they cut the electricity everything total utter darkness it was vidyut daraku samasta prakar se electric taro gude ko sab phone taro ko se mane kati dei thile pura pura andhakar thile se mane kichhi kari parle nai the full room house was filled with these people ebang pura घर यही लोक मानक परिपूर्ण थिला स्टिल विद इन माय मदर्स हार्ट शी स्टार्टेड टू स्पीक इन अननोन टंग्स किंतु तथापि मोर मां हृदय भितरे मने मने से परभाषा कहथिले डिस्टर्ब द होल हाउस एवं से माने पूरा घर को से माने व्यक्त व्यक्त कर देले ओपन द फ्रिज एंड थ्रोड एवरीथिंग आ फ्रिज खोलिले सब किछ से माने चोरी करले वेंट इनटू द किचन एंड थ्रोड ऑल द थिंग्स एवं रसोई घर भितर को जाई के सब किछ नष्ट करले ऑल द कबर्ड्स एंड दे थ्रोड ऑल द थिंग्स आ कबर्ड रे सब विषय को जिंस काढी फोपड़ी देले दे वांटेड गोल्ड एवं से माने सुना चाहते माय मदर सेड वी वोंट वेयर गोल्ड किंतु मोर मां कहले आमे त सुना परिधान करू ना ऑल द मनी एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स आ से माने समस्त अर्थ टंका पैसा एवं इलेक्ट्रॉनिक जिंस सब नहीं गले बट वन कबर्ड की वाज नॉट विद माय मदर किंतु गोटे कबर्ड रे चाबी मो मां को पखरे नथिला इट वाज वन ऑफ माय ब्रदर्स कबर्ड आ तहे थिला मोर मां भाई कर गोटे कबर्ड आफ्टर गोइंग टू सऊदी दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम अर्थमाइट टू ब्रदर इन ग्रुप
आ से माने मध्य सऊदी को जाय के से माने ब्रदरन ग्रुप रे मध्य चेंज सो दे केप्ट ऑल द ज्वेल्स इन दिस कबर्ड आ से कबर्ड रा समस्त अलंकार से माने नहीं गले यूजुअली यूज्ड टू गिव द की टू मदर बट बिकॉज़ ऑफ द टाइट शेड्यूल ही फॉरगॉट टू गिव द की टू माय मदर साधारण त से मां को हाथ रे चाबी देकी जानते किंतु सेई थरो से मां को हाथ रे चाबी दे जीवा को भूली जाय थिले सो बिकॉज़ दे डिडंट गेट गोल्ड फ्रॉम दैट हाउस आ से घर तांको सुन्ना मिलिला नाही दे स्टैम्प्ड दिस कबर्ड एंड दे ब्रोक दिस कबर्ड एवं से कबर्ड को से माने गुटे गोइठा मार के भांगे देले कबर्ड दे गॉट lots of gold in that cupboard aje table se cupboard bhangi gala se table se thare bahut suna paile more violent these people became au se atirikta sangharshali ati bhayanak hoi gale they went straight to the bedroom au se mane pura puri amanakar bedroom ko chali gale took hold of the 2 years of the newborn child se chotu pilara tar dui ti kanak dharile one person was ready with the sword ebang gote byakti se khanda dhari ke thiya gaya my mother's screamed in the unknown tongue sei samare mor ma parabhasa saito ati dharile chitkar karthile no powers of darkness can touch this child ei andhakar ra konasi shakti sisu ko sparsha kari paribana at that moment what happened sei murtare kon hela as my mother started to get filled in the spirit jete bele mor ma atma re paripurna hele she started to utter the blood of jesus jete bele se jesus ko rakta kahile throw back the child on the bed ebang sei bed re se mane se pila ko phapadi dele they did not do any harm to the child kintu sei pila ro konasi kheti kale nahi was lying down unconscious mor ma sethare achet hi padi gale doing all these things ei samast karje kariba pare poured water in the whole house au se mane pura parisubutal ko ghar bhitar because the handprints will not be anywhere over there au je manakar konse hastar kimba se manak angule re chinha sethare nathila so finally they didn't do any harm to my mother nor to my sister nor not to the newborn child mor ma ko mor bhaujan ko se chote shishu ko se mane konse kheti kari nathile whatever they got from the house they took it au ja kiche se ghoru se mane paile sabu nele they threw many things in the garden ebang magichare anek jinsa se mane pakai dile group of people were standing outside also au dole loko bahare thiya hoithile but they did not do any harm se mane kichhi kheti kole nahi when these people left the house jete bele ehi loko mane ghor chhadile it was right 3 o'clock आउ से माने मध्य सो नाइट 12 टिल 3 दे वर इन दैट हाउस आउ रात्रि 12टा रो 3टा पर्यंत से माने से घरे थिले हाउ ग्रेट अ गॉड इज हमर परमेश्वर केते महान ही दैट कीपर्थ इज्राइल आउ से जे की सेल को रक्षा करंती शैल नॉट स्लीप नॉट स्लंबर से घुमंती नहीं की निद्रा जाती नहीं रियली आवर गॉड इज अ ग्रेट गॉड प्रकृति रे हमर परमेश्वर महान परमेश्वर गॉड इज फेथफुल टू प्रिजर्व आवर पीपल आउ से तहां कर लोक मान को रक्षा करिया पे समर्थ करती 7 o'clock when my brother came आउ से 7टा समय रे मोर भाई आसिले when he start when he saw the state of the house jete bale ghar re prakar sthiti ko se dekhile he ran to the faithum se bishwas gro ko dodi gale immediately came so servants of god came there tatkala te prabhu ko sevak mane sevak immediately servants of god came from adyar ebang adyar madhye sevak mane asile they carried my mother sister in law the newborn child to the faithum mor ma se mor bhaujan ko se chote shishu ko faithum ko nei gale as soon as the dacoits left my mother became unconscious au jete bale se man nei gale mor ma madhye setale achet avastha thile 2 weeks it took for her to come to the normal mind साधारण मन को आसीबा पई तांको 2 सप्ताह लागिथिला the Lord prayed fervently and they delivered जेतु परमेश्वर के सेवक माने अतिरिक्त भाबरे से माने निरंतर प्रार्थना कलर से सेतुर उद्धार पाइले praise be to God परमेश्वर को नाम रो प्रशंसा the same group सेई दल next day तार परवर्ती दिन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट से माने आउ तार परवर्ती गली गॉट इनटू क्रीप्ड इनटू मेनी हाउसेस अनेक घर मान को जाई कर से आक्रमण कर किल्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्रथम दिन से घर रो सब लोग मान को मेंबर्स मेल एंड फीमेल दे किल्ड पुरुष स्त्री समस्त को से हत्या करले दे स्टार्टेड टू लूट द थिंग्स तापर से माने से समस्त जिंस चोरी करिया लागिले ग्रेट अ गॉड इज आ से माने अमर परमेश्वर के तमन 12 टू 3 दे वर इन दैट हाउस 12टा रात्रि रो 3 रे पर्यंत से माने हम घर थिले बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस वाज देयर जेतु जिस रक्त से बिकॉज़ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट वाज देयर पवित्र आत्मा को अभिषेक से ठरे थिला द इविल पीपल डिड नॉट वाज नॉट एबल टू डू एनी सेम मंद लोक माने हमर कोन शिक्षित कले नाही आवर गॉड इज अ प्रोटेक्टर हमर परमेश्वर सुरक्षा करे इज अ फेथफुल गॉड से विश्वस्त परमेश्वर विल नॉट विंक हिज आईज इवन फॉर अ मोमेंट आ गुटे मुहूर्त पर्यंत से अपना चक्षु मुद्रित करे नाही आई प्रेज़ेंट थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल वर्क प्रभु कर से आश्चर्य काम पई म तहां को धन्यवाद जणे हूएवर मे बी सीटेड ओवर हियर एठरे जते जणे बसी छथि व्हाटएवर मे बी योर सिकनेस आपन को रोग जा हो ना बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड प्रभु को उपस्थिति रे रही आई चैलेंज यू
मु आपन को बाजी लगे गोइंग टू बी हील्ड टुनाइट आज रात्रि रे कोन जिते बे कोन से भी द वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू हील यू परमेश्वर कर शक्ति द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज गोइंग टू हील यू प्रभु कर उपस्थिति आपन को द होली स्पिरिट इज गोइंग टू हील यू पवित्र आत्मा आपन को स्वस्थ करबो आई वाज अ क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट आ मु जने अति बहुत संक्रामक अस्थमा रोग रे रोगी थी द मोमेंट आई केम टू द मिनिस्ट्री आई डोंट नो हाउ दिस सिकनेस गॉट इनटू मी आ किंतु जते बेले मु सेवा रे आसले सेते बेले मु जाने नै प्रभु किंतु मते सेट कर really suffering with sickness like anything au mo bahut bhabare sei rogare mo so kashta paathili I could not do any work in the house of god parameshwar guru re kichhi karya mo kari parna even if I have to keep one step two sisters have to hold me ebang gotiye padakhep mo nei parunathile dui jana sister mate even if I have to eat anything sisters used to feed me au mo kichhi khai parunathile sister mane mate bhogile I became so weak mo sei samara ati durbal thile it's not seconds It's not hours. A घंटा बोली नहीं. But days I did not sleep. आउ सेमने दिन रात्रि मुझे सोने. I could just sit in one chair. मुके बोले गुटे चौकी बसते. I cannot even stretch my leg. एवं मुमर गुड़ लंबा करी पर उन्हें. Chronic asthma. Chronic. It was very. आउ सेहती अतिरिक्त बहुत पुराना रोग. I was unable to bear it. आउ जेतु मैं तक सहे कर पर उन्हें थे. One fine day. एवं गुटे दिन रे आई एज द सिस्टर्स दे डिड ऑल माय हेल्प एंड दे लेफ्ट द रूम आ जते बले मोर समस्त सहाय कर के सिस्टर माने से कोठरी को परित्याग करे आई वाज नॉट एबल टू स्टैंड बाय मायसेल्फ मु मो निजरो निजे ठियाई पर न थिले बट आई चैलेंज माय गॉड मु मोर प्रभु के संग रे बाजी लगे लॉर्ड आई केम टू योर हाउस मु कहले प्रभु मु तुम गृह को आसे छी टू मिनिस्टर तो सेवा करबा नॉट टू बी मिनिस्टर्ड आ मु अन्य मान को सेवा कर आई डोंट वांट द सिकनेस इन माय बॉडी आ मु जाने नै मो शरीर रे पर कोनो सिरो कथा आ हु कॉल मी एंड आई केम टू थाय हाउस आ मु तुमै हि जो परमेश्वर मु तुम गृह को सेवा करिया कछि आई केम टू हेल्प अदर्स आ मु चाहे मु अन्य मान को सहायता कर हेल्प बाय अदर्स मु अन्य मान को द्वारा सहायता पाइबे चाहे नै लास्ट डे फॉर द सिकनेस आ बत्ते मा सेही दिन थिला शेष दिन आई थॉट यू शुड हील दिस आउ तुमे मते तको रोग सुस्त करवाना टुनाइट यू हैव टू सैंक्टिफाई मी एंड टेक मी टू योर प्रेजेंस आज रात्रि रे तुमे मते शुद्ध करी पवित्र करी मोर रोग नबो स्ट्रगल्ड विथ माय गॉड एवं मो परमेश्वर को सहित मध्ये मो प्रभु तो युद्ध करिया को लागो द लॉर्ड वाज कंपैशनेट टुवर्ड्स मी जो परमेश्वर मो प्रति दया रे बिगल तो थिले ऑल वेंट फॉर द नाइट प्रेसिंग एवं रात्रि रे से प्रेजिंग स्तुति समय फायर अनॉइंटिंग केम अपॉन मी मो ऊपर गोटे अग्नि अभिषेक आसीला आई वाज नॉट एबल टू कीप वन स्टेप फॉरवर्ड आ मो गोटे पदखेप आगु को बढाई पर न वाज हैंगिंग on the rod a mo kebal sirakare jhari avastha thile gasping the breath ebang mo madhe swasa nei paruna thile mighty anointing came upon me jetale shaktishali abhishek mo upare asila I was thrown here and there mo ethare sitha ku padigili instantly my god healed me ebang parameshwar ati shakti re se now I don't have even the trace of that sickness a vartaman se guru my god was my healer mor parameshwar mor aragya kari only the same god is present over here I see parameshwar aji mata tachi you are going to be healed right now apan mane man vartaman swastha ho you are going to be healed right now apan vartaman samasta swastha ho god is a physician our amar parameshwar sabu I really thank and praise god for all the wonderful things which he has done in my life mor jivan ne anek nana prakar aashchaj karma karithile my humble ko dhanyabad gyanpan my humble request to the youths over here mor namra anurodh apan manko don't waste your age apan kar konosi si you come to the house of god to serve the living god parameshwar ko gruh ka si se jivit parameshwar ko seva karantu nothing can give you this joy in your life aur apan ko jivan ne konosi bisara nahi can give you such peace which I am experiencing in the house of god prabhu ko gruh re thai je anand shanti ko mo anubhav karche ei jagat re konosi bisara apan ko ta nei you have a great desire you step to serve the living god atirikta agrah sahita apan parameshwar ko seva kariba ko aga ko asantu seek the best thing in your life आपण को जीवन रे सर्वोत्तम विषय अन्वेषण करो चूज द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ आपण को जीवन रे सर्वश्रेष्ठ विषय को अन्वेषण करो अचीव द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ आपण को जीवन रे सर्वोत्कृष्ट विषय को हासिल करो यू विल नेवर बी रिग्रेटेड इन योर लाइफ आपण को जीवन रे कदापि पराजित होइ ना कम आउट टू सर्व द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु को सेवा करबा को आगे असंतु आई एम व्हाट आई एम इट इज ओनली बाय द मर्सीज ऑफ गॉड आ प्रभु कर दया तुम संपूर्ण भाव रे गॉड हु गिव मी द ग्रेस टू बी बोर्न Zion au jete bale sion re janma ne pa je parameshwar mot daya kale I need immense grace and mercy to grow as Zion ebang se sion re bruddhi paiba pa prabhu sampurna bhabare mot anugrah daya kale to be finally found in Zion sesare mo jemti sion re dekha jibi requesting the prayer of everyone seti pa apan manakar pratyek janakar prarthana mo binta kare my test prabhu ko dhanyabad